एक कैपेसिटर हमने यहाँ पे कंसीडर किया और इसके साथ एक रजिस्टर लिया और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया और यहाँ पे एक स्पाइडर लिया और ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस इसका आर और इसका कैपेसिटेंस सी, इसका बैटरी का ईएमएफ सी। ओके, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ऐसा है कि टी इक्वल टू जीरो पर इस कैपेसिटर, यानी यहाँ पे एक स्विच ले लिया हमने, तो ये स्विच अभी ऐसा कनेक्टेड नहीं, ठीक है। तो टी इक्वल टू जीरो जो है, टी इक्वल टू जीरो पर ये स्विच इज क्लोज्ड एट सम टाइम टी इक्वल टू जीरो। तो इस टी इक्वल टू जीरो पर जैसे ही ये स्विच को क्लोज कर दिया जाएगा तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और इसमें चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो टी इक्वल टू जीरो पे जो चार्ज है कैपेसिटर पे, वो चार्ज होता है जीरो और धीरे धीरे इसमें चार्ज बढ़ेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ टी इक्वल टू टी पे जो चार्ज होगा वो होगा क्यू और फिर बढ़ते 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 बहुत टाइम के बाद वो चार्ज कितना हो जाएगा कैपिटल के। पर हमें सिर्फ ये निकालना है ये क्यू, यानी टी इक्वल टू बहुत टाइम के बाद उस पर चार्ज कितना आ जाएगा क्यू। ये तो स्टेडी स्टेट है जिसको हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, हमें स्टेडी स्टेट नहीं, हमें ये ट्रांजिएंट स्टेट के बारे में जानना है, यानी उसमें चार्ज टाइम के साथ वो चार्ज कैसे चेंज होगा, कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा वो चार्ज टाइम के साथ कैसे वैरी करेगा। तो ये जो डायग्राम है इसमें हम लोग डायरेक्टली टी इक्वल टू टी पे सोचेंगे कि क्या चल रहा है। तो टी इक्वल टू टी पे इस पे चार्ज क्या आया, दिया हमने प्लस क्यू देन माइनस क्यू, ठीक है। ओके, नाउ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा क्यू बाई सी, कितना होगा क्योंकि क्यू इक्वल टू सी वी, तो बी इक्वल टू क्यू बाई सी। और अगर हमने से मान लिया करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, तो ये प्लस और ये माइनस, इधर ड्रॉप कितना होगा, रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप कितना होता है आई इंटू आर, कितना होता है आई इंटू आर। तो ये जो ड्रॉप है कैपेसिटर के अक्रॉस क्यू बाई सी, ये वाला इसको मैं वी वन बोल देता हूँ और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है रेजिस्टर के अक्रॉस इसको मैं वी टू बोल देता हूँ। तो ये जो टोटल ई एम एफ है ये वी वन प्लस वी टू का क्या है, सम है, राइट। क्योंकि जो बैटरी का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल कैपेसिटर और रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, दूसरा तो कोई सोर्स है नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो ई एम एफ है ई, दिस मस्ट बी द सम ऑफ वी वन एंड वी टू, ठीक है। तो बस मुझे मिल गया ई इज इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस आई। ओके ओके, नाउ वॉट, तो अब मैं ये Q by C उस साइड ले जाता हूँ और इधर बचा I R, ठीक है। ओके, अब I क्या होता है, तो मुझे पता है करंट क्या होता है, हमने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, करंट जो होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, होता है इट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आपने उस वक्त जब पढ़ा था तो ऐसे पढ़ा था कि करंट इज डेल्टा Q by डेल्टा T, बट डेल्टा Q by डेल्टा T का मतलब dQ by dt। तो इसको मैं लिख सकता हूँ E माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, और यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, ये हो गया सी ई माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। अब मुझे पता है ये पूरा ये चार्ज है क्योंकि सी इंटू वी वो भी चार्ज है और क्यू जो है वो भी चार्ज है, तो ऊपर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो चार्ज है। तो ये C into E, CV, CV मतलब चार्ज, ये पूरा चार्ज है, राइट। हम लोग वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो ये जो dQ है ये चार्ज पूरा एक साइड लेंगे और टाइम के साथ ये कांस्टेंट एक साइड, तो टाइम हमने इधर ले लिया dt by RC और ये हो जाएगा dQ by CE minus Q, ठीक है। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जब टाइम जीरो है तो चार्ज कितना है, जीरो,
और जब टाइम टी है तो चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, क्योंकि हमें किसी जनरल टाइम में निकालना है, जनरल एक्सप्रेशन हमें फाइनल वैल्यू नहीं चाहिए। फाइनल वैल्यू कितना है, फाइनल वैल्यू आपको पता है सी इंटू ई होगा, फाइनली करंट कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और जितना पोटेंशियल है बैटरी का वो पूरा का पूरा कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा। अच्छा अब ये जो है इसमें डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो टी होगा, तो टी बाई आर सी फ्रॉम जीरो टू थ्री, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है डी क्यू बाई, तो आपको पता है डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन एक्स एल एन मॉड एक्स, और डी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स ए माइनस बी एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन एल एन ऑफ ए माइनस बी एक्स होता है, बस एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो नीचे डिवाइड होता है, ये फॉर्मूला तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये है क्यू वेरिएबल, तो ये होगा एल एन ऑफ सी ई माइनस क्यू, बस क्यू का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस वन है, बस वो एक आगे आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है जीरो से लेकर क्यू, समझ में आपको। तो ये तो डायरेक्टली टी बाई आर सी हो जाएगा, और ये माइनस हम यहाँ ले लेंगे तो माइनस टी बाई आर सी, और उसके बाद हम लोग पहले क्योंकि वेरिएबल क्यू है तो हम लोग क्यू की जगह पे पहले क्या डालेंगे क्यू डालेंगे, तो ये होगा सी ई माइनस क्यू, उसके बाद एल एन ऑफ, फिर हम क्यू की जगह क्या डालेंगे जीरो, तो वो हो जाएगा एल एन सी ई, यहाँ से ये हो गया माइनस टी बाई आर सी, और ये एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी होता है एल एन ऑफ ए बाई बी, ठीक है ओके। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू क्या है, ये कैपिटल क्यू सी ई के बराबर है, इसके बराबर है कैपिटल क्यू, इसको मैं क्यू नॉट बुक बोल सकता हूँ, आई कैन कॉल इट एज यू नो क्यू नॉट, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज एट टी इक्वल टू इंफिनिटी, ये जो सी ई है ये पूरा का पूरा जो ये ई एम एफ है, ये पूरा का पूरा ई एम एफ ये पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस आने वाला है, क्योंकि सर्किट में करंट जीरो होने वाला है, ये हमने डिस्कस किया है स्टेडी स्टेट, तो यहाँ पे ये करंट जीरो होता है, तो जो कैपेसिटर में जो चार्ज होगा फाइनल चार्ज वो सी ई होगा, यानी मैं यहाँ पे इस सी ई को क्यू नॉट से हटा सकता हूँ, आई कैन रिप्लेस इट, ओके दैट वी कैन डू एट द एंड, अभी एल एन को वहाँ लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा ई रेज टू माइनस थ्री बाई आर सी राइट, और ये हो जाएगा वन माइनस क्यू बाई क्यू नॉट, है ना, सी बाई सी वन हो गया और माइनस क्यू बाई सी हो गया क्यू बाई क्यू नॉट, तो हमने सी ई को क्यू नॉट से रिप्लेस कर दिया है ओके। इसके बाद हम लोग इसको उधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा q बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू वन माइनस ई रेज टू माइनस थ्री बाई आर सी, और q आ जाएगा q इज इक्वल टू क्यू नॉट इन टू वन माइनस माइनस ई रेज टू माइनस थ्री, तो ये आ गया चार्ज का इक्वेशन, यानी चार्ज इस तरह से वेरी करेगा, तो पहले आप इसको लिख लो फिर हम लोग उसका ग्राफ बनाएंगे, चार्ज एक्चुअली वेरी किस तरह कर रहा है, ठीक है, टू क्यू नॉट इन टू वन माइनस ई रेज टू माइनस थ्री बाई आर सी, तो इसमें ये जो आर सी आप देख रहे हैं, अगर आप आर यानी रेजिस्टेंस सी यानी कैपेसिटेंस दोनों का आप डायमेंशनल इक्वेशन निकालोगे और यूज करोगे तो ये फाइनली जो डायमेंशनल इक्वेशन आएगा इसका ये टाइम का आ जाएगा, ये आप चेक करो, ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये आर सी जो है इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं टाइम कॉन्स्टेंट यानी टाउ, इससे टाउ से, तो ये इक्वेशन हमारे लिए हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ में ये याद रखना है कि टाउ का मतलब है आर इंटू सी, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ये जो इक्वेशन है q is equal to q naught 1 minus e raised to minus t by tau, तो आपको प्लॉट करना है q versus t, because this is q is a function of time, since q is a function of time, तो क्या प्लॉट करेंगे, obviously क्या प्लॉट करेंगे, q versus t प्लॉट करेंगे, तो let us see, तो let us see कि t equal to 0 पे क्या है, we know t equal to 0 पे, अगर मैं यहाँ 0 डालूंगा, e raise to 0 होगा यानी 1 होगा और 1 minus 1 0 होगा तो चार्ज 0 आ जाएगा, चार्ज कितना आएगा, और t equal to infinity पे देखते क्या होगा, t equal to infinity पे ये हो जाएगा 1 by e raise to infinity, ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा q is equal to q naught 1 minus e raise to minus infinity, and e raise to minus infinity क्या हो जाएगा,
वन बाई रेस टू इन्फिनिटी, और ये वन बाई रेस टू इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो वन माइनस जीरो यानी क्यू नॉट, क्या आएगा क्यू नॉट। इसका मतलब टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर खुद ही चार्ज हो गया है, और कैपेसिटर का चार्ज लगभग कितना हो गया है क्यू नॉट। ये इक्वेशन बराबर है क्योंकि जो हमने पहले डिस्कस किया था इसी इक्वेशन से वही रिजल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मुझे दो पॉइंट मिल गया, एक तो मुझे मिल गया ये वाला कि जब टाइम जीरो है चार्ज जीरो है, और एक मुझे मिल गया इन्फिनिटी पे, यानी जब टाइम इन्फिनिटी है तो ये जो वैल्यू है ये क्यू नॉट है, ये कितना है क्यू नॉट। तो मुझे दो पॉइंट्स मिल गए, एक ये और एक ये, और ये इक्वेशन कैसा है एक्सपोनेंशियल, तो इसको जोड़ने वाला ग्राफ कैसा होगा एक्सपोनेंशियल। समझ में आपको, बन गया ग्राफ, दैट्स ऑल। तो बहुत समय के बाद जो है ये चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे क्यू नॉट, और वो बहुत समय कितना है, वो बहुत समय मतलब फ्यू मिलीसेकंड्स। ठीक है, कैपेसिटर के लिए वो बहुत है, हमारे लिए बहुत कम है। ठीक है, तो मैं कैपेसिटर के हिसाब से बात करता हूँ। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस सी कि वन टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर कितना चार्ज होगा। ऑलराइट, तो वन टाइम कांस्टेंट यानी वन टाउ, तो यहां से आगे अगर मैं लेता हूं कि टी इज इक्वल टू वन टाउ, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट कि चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे। राइट, दैट्स वेरी सिंपल, आई हैव द फॉर्मूला विद मी, सो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। At the t tazali, in place of t, I have to put tau, right? One time constant, because this is called as time constant, tau. Tau is the time constant of this circuit. यानी R into C का जो product है, उसको time constant बोला गया है, ठीक है? और उसको represent किया गया है tau से. तो one tau मतलब t जो आप tau डालो, तो ये हो जाएगा q not one minus e raised to minus tau by tau, tau by tau कितना हो जाएगा वन, तो ये हो जाएगा q not वन माइनस e raised to minus वन, मतलब q not वन माइनस वन by e। अभी e का जो वैल्यू है, e का मैग्नीट्यूड होता है 2.73, तो अगर आपने इसको यहाँ पे डाल दिया तो ये हो जाएगा q not into वन माइनस, तो वन by e का वैल्यू आता है 0.37, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 0.63 क्यू नॉट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन वन टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर चार्ज इंक्रीजेस बाय 63% या कैपेसिटर चार्जेस टू 53%, चार्ज इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज। तो ये हो गया, यानी सीधा यहां पहुंच गया 63% एक टाइम कांस्टेंट में। देखो कितना जल्दी चार्ज होता है, एक टाइम कांस्टेंट में ही 63% चार्ज होगा, मतलब तीन चार टाइम कांस्टेंट का काम खत्म, 99.9% पहुंच जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, तो मैं दूंगा भी अभी आपको चेक करने के लिए। तो क्या देखा आपने, सो इन वन टाइम कांस्टेंट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन वन मतलब इन द फर्स्ट टाइम कांस्टेंट, हम यहां इसको वन बोल देते हैं, ठीक है, वन टी वन टाउ, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस टू टू इंक्रीजेस टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज, 63% चार्ज हो जाएगा एक ही टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी आपको मुझे बताना है कि t इक्वल टू टू टाइम कांस्टेंट में कितना परसेंटेज तक पहुंचेगा, और t इक्वल टू फोर टाउ में, और t इक्वल टू सिक्स टाउ में, ये चार्ज कितने परसेंटेज तक पहुंचेगा। राइट, तो आप जल्दी से लिखिए और बताइए कि कितना परसेंटेज कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, वो कितना आया था q = q0
तो अभी पूछ सकते हैं वो कभी करंट का इक्वेशन दिया होगा, तो करंट का इक्वेशन होगा डी क्यू बाई डी, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो डेरिवेटिव ऑफ दिस क्यू नॉट वन माइनस ई रेस टू माइनस थ्री बाई, तो इसमें एक क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है उसको लिखो बाहर और वन का डेरिवेटिव जीरो होगा और ई रेस टू माइनस थ्री बाई टाउ, तो आपको पता है e raise to minus ax का डेरिवेटिव होता है minus a into e raise to minus ax, तो यहाँ पे हमें निकालना है डेरिवेटिव किसका, e raise to minus t by tau, तो ये जो 1 by tau है ये a, ये क्या है a, a t minus a, तो वो ध्यान रखना, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो माइनस ए एक मेरा आएगा वन बाई टाउ और ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, ये टाउ जो है इस फंक्शन वन बाई टाउ इस फंक्शन एस ए, ठीक है डेरिवेटिव ओके। तो ये माइनस तो रहेगा रहेगा और ये जो है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टाउ ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्यू नॉट, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्यू नॉट बाई टाउ और ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, ठीक है राइट। अब इसमें जो है इसमें जो क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट आपको पता है कितना है, क्यू नॉट का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज, तो मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज कितना है सी, और टाउ आपको पता है टाउ कितना है आर सी, ये दोनों अगर आप वहां डाल दोगे उस इक्वेशन में तो आपको मिल जाएगा आई इज इक्वल टू सी ई डिवाइड बाई आर सी ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ, ये सी और सी कैंसिल हो गया राइट ओके, तो आपको मिल जाएगा आई इज इक्वल टू ई बाई आर e raise to minus t by tau, clear है आपके। तो यहाँ पे अब ये e by r क्या है, let us talk about that, तो जब ये कैपेसिटर है और यहाँ पे एक रेजिस्टर है और ये बैटरी है, तो जब t equal to infinity होगा तो इस पे चार्ज आएगा q naught, कितना चार्ज आएगा q naught आएगा और करंट जीरो हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा जीरो राइट, और इनिशियली जब इस पे चार्ज था ही नहीं, यानी इस पे जो चार्ज था वो जीरो था, उस वक्त जो करंट है उस वक्त करंट होगा मैक्सिमम, उस वक्त करंट कितना होगा, यही तो सिचुएशन है, ये सिचुएशन है t इक्वल टू जीरो का और ये सिचुएशन है t इक्वल टू इन्फिनिटी का, तो t इक्वल टू जीरो पे जो कैपेसिटर होता है उसको वी कैन रिप्लेस बाय अ कंडक्टर, तो अगर मैंने इस कैपेसिटर को एक कंडक्टर से रिप्लेस किया राइट, तो इस सर्किट में उस इंस्टेंस में जो करंट होगा राइट, वो करंट होगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ईएमएफ है और एक रेजिस्टर है, उसको करंट कितना होगा ई बाई आर, यानी ये जो मैक्सिमम करंट है इसको मैं आई नॉट बोल सकता हूँ, आई कैन कॉल इट एज आई नॉट, मैक्सिमम पॉसिबल करंट आई नॉट, तो यहाँ पे ये ई बाई आर को हटा कर मैं डाल दूंगा आई नॉट, तो ये बन गया करंट का इक्वेशन, तो अब ये ध्यान रखना है इसमें कि ये जो I नॉट है ये I नॉट है E बाई आर, ये I नॉट क्या है E बाई आर, ठीक है, और ये कौन सा करंट है, ये T इक्वल टू जीरो पे जो करंट है वो, तो ये इक्वेशन याद रखिए, ये करंट का इक्वेशन है ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप ग्राफ किसका बनाओगे करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आप बनाएंगे, ठीक है, बिकॉज करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि t इक्वल टू जीरो पे हमें ऑलरेडी वैल्यूज पता है कि t इक्वल टू जीरो पे करंट कितना है I नॉट, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट कितना होगा जीरो, और ये हमें वैल्यूज पता है, तो t इक्वल टू जीरो पे ये करंट कितना होगा I नॉट t इक्वल टू जीरो, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट कितना होगा जीरो, तो ये I नॉट और जीरो इसको जोड़ने के लिए आपको एक एक्सपोनेंशियल कर्व चाहिए, बन गया एक्सपोनेंशियल कर्व, तो ये I वर्सेस t का ग्राफ है,
आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी आपने दो कोऑर्डिनेट निकाले, पहला कोऑर्डिनेट आपने निकाला कि टी इक्वल टू जीरो पे जो करंट है वो आई नॉट है, ये मिला आपको एक कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट मिला आपको टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो करंट है इट इज टेंडिंग टू जीरो, करंट इज टेंडिंग टू जीरो, आपको दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। और इन दो कोऑर्डिनेट को जोड़ना है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, ऐसा ये इक्वेशन आपसे कहता है, इसलिए आपने इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से जोड़ दिया। डिस्चार्जिंग होने के लिए पहले कैपेसिटर चार्ज होना चाहिए, तो ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि t इक्वल टू जीरो पे ये जो कैपेसिटर है ये ऑलरेडी फुल्ली चार्ज है, फुल्ली चार्ज, इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज कर दिया गया है। और ये जो चार्ज कैपेसिटर है इसको अब हम लोगों को एक रेजिस्टर से कनेक्ट करेंगे, ताकि ये क्या हो, ताकि ये अपना जो चार्ज है रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज या ये खुद डिस्चार्ज हो सके। तो इस चार्ज कैपेसिटर को वी हैव टू कनेक्ट इट टू अ रजिस्टर, तो ये रहा इस पे चार्ज क्यू नॉट है, ये कनेक्टेड इट टू अ रजिस्टर। अब ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है ई, क्योंकि तो इसको जो चार्ज किया हमने एक बैटरी जिसका पोटेंशियल ई है उससे चार्ज किया है, तो ये Q0 कितना है CE, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है E, तो ये हायर पोटेंशियल पे है कैपेसिटर। और ये रेजिस्टर जो है इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं है, ये जीरो पोटेंशियल पे, और वैसे भी ये कोई पोटेंशियल पे मतलब जब इसके थ्रू करंट होगा तो ये इसके अक्रॉस क्या होगा पोटेंशियल होगा। तो ये कैपेसिटर जो है अभी इट विल एक्ट लाइक अ बैटरी, कैपेसिटर विल एक्ट लाइक अ बैटरी। बैटरी में क्या होता है उसके इलेक्ट्रोड्स पे चार्ज स्टोर होता है बैटरी में, पर बैटरी में वो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है क्योंकि अंदर केमिकल्स खुद को एग्जॉस्ट करके वो पोटेंशियल मेंटेन करता है। पर वहां भी वही होता है, वो दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। यहाँ भी वैसे ही है, दो प्लेट है, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, बस दिक्कत ये है कि ये चार्ज कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, ये चार्ज धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है एग्जॉस्ट करने के लिए। तो ये एक ऐसा बैटरी बनेगा जिसका पोटेंशियल वेरिएबल है। नॉर्मल बैटरी का पोटेंशियल क्या रहता है कांस्टेंट, और दिस विल एक्ट लाइक अ बैटरी जिसका पोटेंशियल वेरी करेगा धीरे धीरे, क्या होगा वो कम होता जाएगा क्योंकि इसका चार्ज कम होता जाएगा। तो ये सिचुएशन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये t इक्वल टू जीरो पे ये सिचुएशन है, ठीक है, ये आ रहा है। अब क्या होगा, तो अब ये जो चार्ज है ये इधर से इधर फ्लो होना शुरू होगा, इधर से इधर, यानी कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट पे जा जाएगा और उसको ये सर्किट मिल गया पूरा कंप्लीट सर्किट। तो ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू, तो इस तरह ये चार्ज यानी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है नेगेटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज भी कम हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज भी कम हो जाएगा और ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, दोनों कम हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एक प्लस चार्ज गया मतलब ये चार का तीन हो गया, और ये प्लस चार्ज यहाँ आया तो एक माइनस और प्लस न्यूट्रलाइज हो गए तो नेगेटिव चार्ज भी तीन हो गए, तो पूरा जो चार्ज है वो कम होते जाएगा धीरे 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 कैपेसिटर, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ऐसा मान लेते हैं कि किसी भी टाइम टी पे ये जो कैपेसिटर है इस पे चार्ज क्यू नॉट नहीं है, क्या होगा क्यू है एट एनी टाइम टी, क्योंकि हमें जनरल एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो और यहाँ पे क्या है एक रजिस्टर है ये आर है, तो ये प्लस माइनस ये क्यू ये माइनस क्यू। अब ये जो करंट फ्लो कर रहा है इधर, तो लेट अस यू नो राइट डी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा उस इंस्टेंट पे क्यू बाई सी एट एनी इंस्टेंट, और इधर करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, तो ये होगा प्लस ये होगा माइनस, ठीक है। करंट के डिरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है क्योंकि चार्ज इस डिरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट, चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो जो रजिस्टर है रजिस्टर के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है हमने सिर्फ कन्वेंशन लिया, कन्वेंशन होता क्या है एक्चुअली नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो एक्जिस्ट ही नहीं करता, और करंट सिर्फ एक कन्वेंशन है तो वो हम लोग करंट में डिस्कस करेंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज इस डिरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब इस पर फोर्स भी इधर लग रहा होगा, ठीक है, राइट, फील्ड भी इधर होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये हमने कब पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड
पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसलिए हम हमेशा करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस लिखते हैं बाद में माइनस। तो यहाँ भी मैंने पहले प्लस लिया, करंट इधर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, उसमें फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है मतलब फील्ड इधर है, और फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसलिए ड्रॉप होता है मतलब पहले हायर बाद में लोअर। तो ये बन गया सी, और ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ऐसा होगा, ठीक है, समझ गया। तो अभी इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा आई आर, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है राइट, यहां से आप देख सकते हैं इधर ये हो जाएगा क्यू बाई सी राइट, ओके, इसके अक्रॉस का ड्रॉप यानी वी वन। ये पूरा जो कैपेसिटर का ड्रॉप है ये किसके अक्रॉस मिलेगा अपने को, ये अपने को मिलेगा रेजिस्टर के अक्रॉस, क्योंकि दो ही चीज है ना इस पूरे सर्किट पे, दो ही है, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर। सोर्स कौन है, कैपेसिटर, मतलब इट इज एक्टिंग लाइक अ बैटरी। तो कैपेसिटर का पूरा पोटेंशियल अभी किसके अक्रॉस मिलेगा, रेजिस्टर के अक्रॉस मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये वी वन इज इक्वल टू वी टू, यहाँ से आपको मिल गया क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई, यानी ये जो पोटेंशियल है इधर कैपेसिटर का इज इक्वल टू रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है आई। ये दो ही चीजें सर, दूसरा कुछ है नहीं। अब यहाँ भी जो करंट है, ये करंट आपको इसको लिखना पड़ेगा माइनस डी क्यू बाई डी टी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है कैपेसिटर पे वो नेगेटिव है, जो डी क्यू बाई डी टी है वो क्या है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डिक्रीजिंग विद टाइम, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डिक्रीजिंग विद टाइम, क्योंकि चार्ज वो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज एग्जॉस्ट कर दे रहा है सर्किट में राइट। तो कैपेसिटर में जो चार्ज है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज नेगेटिव। इसलिए हम लोग जो करंट है, करंट, करंट में हम लोग क्या लिखेंगे, करंट हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे। करंट एक, करंट का मॉड, करंट का वेक्टर नहीं है, करंट का वैल्यू कैसा समझिए पॉजिटिव। तो अगर डी क्यू बाई डी टी खुद नेगेटिव है तो उसके आगे आपको एक और माइनस लगाना पड़ेगा, तो ही आपको एक करंट मिलेगा, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, जो भी मिलेगा आपको एक उसका वैल्यू मिलेगा राइट, नहीं तो वो माइनस आ जाएगा। तो ये आप जब ये डिक्रीजिंग है, तो आप जब भी चार्ज डिक्रीजिंग है तो आप करंट को क्या लिखोगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी, और कैपेसिटर पे जब चार्ज इंक्रीजिंग है तो आप करंट को लिखोगे प्लस डी क्यू बाई डी टी। तो ये आप यहाँ डाल दो, तो ये हो जाएगा Q by C is equal to minus dQ by dt into R, ये ऐसा होगा। तो मैंने I जगह क्या डाल दिया, minus dQ by dt। तो अभी ये जो आ गया, फिर से यहाँ पे हम लोग सेपरेट करेंगे चार्ज को एक तरफ और बाकी को एक तरफ। तो मैं इस साइड ले लेता हूँ dt, dt by RC, और माइनस भी इधर कर लेता हूँ, ठीक है। dt को मैंने इधर लिया और R और C को नीचे, और उधर क्या मिलेगा मुझे, उधर मुझे मिलेगा dQ by Q। एक बार देख लो आप, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है, एक बार चेक कर लो। तो ये dt ऊपर गया, C पहले से नीचे, R भी नीचे आ गया, तो वो हो गया माइनस dt by RC, और dQ के नीचे मैंने Q ले लिया। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा, तो जो माइनस dt by RC है उसको आप 0 से t इंटीग्रेट करोगे, और जो dQ by Q है तो चार्ज t इक्वल टू जीरो पे चार्ज का वैल्यू कितना है, वो है Q नॉट, क्योंकि वो फुल्ली चार्ज है। t इक्वल टू जीरो पे जो कैपेसिटर है वो कैसा है, फुल्ली चार्ज है, तो उसका चार्ज कितना होगा, Q नॉट होगा, और t इक्वल टू t पे उस पर चार्ज कितना होगा, Q होगा, ठीक है। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा माइनस t by RC, और dQ by Q का हो जाएगा ln Q from Q naught to Q। तो ये हो जाएगा माइनस t by RC, और पहले आप Q की जगह पे डाल दो Q, यानी अपर लिमिट। तो ये हो जाएगा ln of Q माइनस ln of, फिर लोअर लिमिट Q naught। तो ये आपको मिल जाएगा ln of Q by Q naught is equal to माइनस t by RC। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो ln है उसको उस साइड जब लेंगे तो वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो ये हो जाएगा आप
आपका e रेज टू माइनस t बाई आर सी इज इक्वल टू ln तो गया e ओवर q बाई q नॉट, तो यहाँ से q का इक्वेशन मिल गया, कितना मिल गया q नॉट इनटू e रेज टू माइनस t बाई आर सी। तो ये हो गया इक्वेशन। अब मैंने आपको बताया था कि आर सी जो है वो टाइम कॉन्स्टेंट है, और आर सी को हम लोग क्या लेते हैं, आर सी को हम लोग लेते हैं टाउ। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, तो यहां से हमें मिल जाएगा q इज इक्वल टू q नॉट इंटू ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। तो ये हो गया चार्ज का इक्वेशन। ठीक है, तो पहले आप ये सब लिखेंगे, फिर हम चार्ज का ग्राफ प्लॉट करेंगे और करंट का भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, q इज इक्वल टू q नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि t इक्वल टू जीरो पे उसके बाद जो चार्ज कितना आएगा q नॉट, ये ई रेस टू जीरो वन हो जाएगा, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर में जो डिस्चार्ज हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो। कैसे, e रेस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा q नॉट इंटू e रेस टू माइनस इन्फिनिटी, यानी q नॉट इंटू e बाई इन्फिनिटी, यानी q नॉट बाई इन्फिनिटी, यानी जीरो। समझ में आया, कोई डाउट है? इस तरह से चार्ज जीरो हो जाएगा। तो पहले t इक्वल टू जीरो पे चार्ज कितना है q नॉट, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज कितना है जीरो। एक ये कोऑर्डिनेट मिल गया आपको और एक ये कोऑर्डिनेट, तो इसको आप जोड़ दो, ये हो गया डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब आप चेक कर सकते हैं वन टाइम कांस्टेंट पे कितना डिस्चार्ज होगा, तो t इक्वल टू वन टाउ तो ये चार्ज कितना होगा, ये होगा q नॉट इंटू ई रेस टू माइनस टाउ बाई टाउ, नहीं आपने t की जगह डाला टाउ, यानी q नॉट इंटू ई रेस टू माइनस वन, यानी q नॉट बाई ई, यानी 0.37 q नॉट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि सिर्फ 37% चार्ज बचा है, तो डिक्रीज कितना हुआ है 63%, यानी यहाँ पे पहुंच गया है चार्ज 0.37 q नॉट। ये डिस्चार्ज कितना हो गया 63%। तो इन वन टाइम कॉन्स्टेंट द कैपेसिटर Discharges to 37%, और discharges by बोला जाए तो 66%। ये बहुत important है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन, ये टू और बाई पे, ये टू और बाई इतने पे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इट डिक्रीजेस द चार्ज discharges to 37% या charge discharges by 63%, इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे चार्ज का इक्वेशन और चार्ज का ग्राफ। ठीक है, अब करंट का इक्वेशन क्या होगा, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, आपको करंट का इक्वेशन मिल जाएगा। तो करंट का इक्वेशन कितना आ जाएगा, तो करंट का इक्वेशन आ जाएगा I is equal to dQ by dt, यानी इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ q not e raised to minus t by tau, let us differentiate। तो पहली बात तो यहाँ पे हमने गलती कर दी, करंट जो है यहाँ पे इस केस में होगा माइनस dq by dt, वो माइनस भूलना नहीं है क्योंकि ये डिस्चार्जिंग है, तो एक माइनस आ गया है, तो माइनस ऑफ q not कांस्टेंट इसको बाहर ले लो, और e raised to minus ax का डेरिवेटिव होता है माइनस e raised to minus a into e raised to minus ax, ये होता है। तो ये होगा q नॉट बाई टाउ इंटू ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। अब आपको मैंने बताया था कि q नॉट क्या है, तो जो q नॉट है, q नॉट है c इंटू ई, तो q नॉट को हमने डाल दिया यहाँ पे c इंटू ई, और टाउ यानी टाइम कांस्टेंट है आर सी ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, तो ये c और c कैंसिल हो गए, तो आपको मिल गया करंट का इक्वेशन I इज इक्वल टू ई बाई आर e raise to minus t by tau। ये आपको मैंने बताया, ये क्या है, ये i dot है initial current, कैसे पता, ये जो capacitor है, capacitor के across initial potential कितना है e, वो charge है, और ये resistor है, तो initial जो current होगा circuit में, यानी जो current flow करेगा, वो current कितना flow करेगा, potential by resistance, यानी e by r, ये initial होगा, इसको हम बोलेंगे i dot, क्या बोलेंगे इसको I not, तो ये यहाँ पे हो जाएगा I is equal to I not e raised to minus t by tau, तो आपको ये मिल गया करंट का इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखो
अब फटाक से हम ग्राफ बना लेंगे, तो ग्राफ कैसा बनेगा, फिर से वैसे ही ग्राफ बनेगा। इस बार करंट का और चार्ज का दोनों का ग्राफ सेम है, तो ये दोनों के इक्वेशन सेम है ऑलमोस्ट, वैसे ही दिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एट टी इक्वल टू जीरो, करंट कितना होगा, तो ये जीरो डालोगे ये वन हो जाएगा, ई रेशियो जीरो वन, तो करंट हो जाएगा आई वन, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट कितना होगा, जीरो। ठीक है, कैसे आप फिर से देख लो, आई नॉट ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी विल बी आई नॉट वन बाई ई रेस टू इन्फिनिटी, मतलब आई नॉट ई रेस टू इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी, तो दिस विल बी ऑलमोस्ट जीरो इस तरह से। या फिर आप सोच सकते हैं कि बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो गया, आप करंट की तरफ से आए, ऐसे लॉजिकली भी सोच सकते हैं। तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा एग्जैक्टली, वापस यही ग्राफ बनेगा, टी इक्वल टू जीरो पे करंट कितना होगा आई नॉट, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट कितना होगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ गया आपको, ठीक है क्लियर। तो दिस इज अबाउट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, इस पे क्वेश्चंस लेंगे हम लोग बाद में, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद और ज़्यादा क्वेश्चंस लेंगे इस पे, ठीक है।